गंगा करोड़ों के लिए आस्था का विषय, तो राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा भी। दशकों भर से इस पर खूब राजनीति हुई, सरकारें आई गई, चुनाव के वक्त गंगा सभी को याद आए और सत्ता में आते ही गंगा को अविरल बनाने की बात सभी के एजेंडे से हटती चली जाती थी। साल 2013 में मोदी जब बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए गए, तब वो उस दौरान बनारस पहुंचे और तभी वो गंगा को अविरल बनाने की शपथ ली। आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हुए, हालांकि विपक्ष बाह्य मन से कभी नहीं माना, लेकिन ये तस्वीर साक्ष्य है कि गंगा की सफाई को लेकर मोदी अपने वायदे के अनुसार काम कर रहे हैं। ये तस्वीर इसी साल की है जब प्रियंका गांधी 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए गंगा की गंदगी ढूंढने निकली और उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। हालांकि अभी गंगा पूरी तरह विरल तो नहीं हुई है, सफर लंबा है, लेकिन इस सफर को तय करने के लिए मोदी सरकार की गति भी कम नहीं है। एक तरफ गंगा को अविरल बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ अब गंगा को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ भी मोदी सरकार सख्त नजर आ रही है। मोदी सरकार एक ऐसा मसौदा तैयार कर रही है जिसके तहत अब गंगा को गंदा करने पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने बिल का मसौदा तैयार कर इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। जल्द ही इस मसौदे को संसद की पटल पर पेश किया जाएगा। इस मसौदे के तहत मोदी सरकार गंगा को बचाने के लिए एक खास पुलिस फोर्स भी तैयार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की देखरेख में नेशनल गंगा काउंसिल भी बनाया जाएगा। पीएम मोदी के अलावा इस काउंसिल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी होंगे।